नमस्कार दोस्तों, घर का खाना स्वादिष्ट बनाना में आज आपका फिर स्वागत है। आज हमने जो रेसिपी आपके लिए बनाई है वो है मिसल पाव। मिसल पाव जो कि बॉम्बे और गोवा में बहुत फेमस है एज ए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों को, यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी डिशेस जो आप बाहर से मंगवाते हैं उससे डेफिनेटली पेट में तकलीफ होती है, तो घर पे ही बनाना चालू करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें। आपको भी जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप लाइक करने लगेंगे और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। और खास करके यंग महिलाओं को और यंग लेडीज को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पति का, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो उनके पेट के लिए, उनकी लाइफ के लिए आप कुछ एक एक डिश ट्राई करें और बनाते जाइए और आपको इसका आनंद आता जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। सो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच घर का खाना स्वादिष्ट बनाना। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदावर्स, सस्ते अकाल। घर का खाना स्वादिष्ट बनाना में आज आपका फिर स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा पाव, जिसको बॉम्बे में बोला जाता है रगड़ा पाव, गोवा में बोलते हैं पातल भाजी और स्टेट्स में इसको मटर और पाव। तो इसमें लगने वाली जो जो चीजें हैं जो आपके सामने हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। मटर जिनको हमने एक पूरी रात भिगो के, और इस तरह की करीब करीब 200 ग्राम मटर हैं जो भींगने के बाद इस तरह हो गए हैं। आलू लगेगा, फिर एक छोटा टमाटर, प्याज, फिर हरी मिर्ची, अदरक, तीन चार कलियां लहसुन की, और फिर और इसको साथ खाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए पाव। तो रगड़ा पाव बनाने के लिए इन चीजों के अलावा हमें जो लगने वाली चीजें रेगुलर हैं वो है राई, हल्दी, फिर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो आइए हम बनाते हैं रगड़ा पाव या मटर पाव या गीली भाजी या ओली भाजी जो गोवा में प्रचलित है। ये डिश खास करके गोवा मुंबई के एरिया में मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा मिलती है। तो आइए हम देखते हैं। तो रगड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो भीगे हुए मटर थे, जो रात भर भिगो के रखे थे, इनको कुकर में चढ़ाया है। इसके साथ दो आलू भी हमने कुकर में डाले हैं। और ये ध्यान रहे कि जब हम इनको, मटर को कुकर में पका रहे हैं, तो इसके साथ इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, हल्का सा नमक डाला है और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाली है। तो अब इसको हम करीब करीब 4-5 सीटी लेते हुए पकाएंगे। ये करीब 200 ग्राम का मटर जो है वो करीब 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। तो आइए हम इसको अब कुकर में चढ़ा रहे हैं। कुकर में मटर और आलू को चढ़ाने के बाद करीब 4-5 सीटी हम लेंगे, ताकि मटर, ये ध्यान रहे कि बहुत अच्छे से पकना चाहिए। और जब तक सीटी बज रही थी, मैंने टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची, फिर आपका लहसुन और अदरक, ये सब काट के रख लिया है। अब हम इसको बघार लगाने की तैयारी करते हैं। बघार लगाने के लिए अब हमने तेल कढ़ाई में गरम करने के लिए रखा है और इसमें हम एक एक चीजें डालेंगे। जैसे पहले डाल दिया हमने राई, राई जैसे ही तड़कने लग जाएगी इसमें डालेंगे मिर्ची, कटी हुई मिर्ची, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर,
ये सारी चीजों को हम अच्छी तरह से पहले भूनेंगे। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद इसको एक दो मिनट के लिए ढक देंगे ताकि उसका टमाटर और प्याज अच्छी तरह से पक जाए। प्याज भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके वापस थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि सारा जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह मिक्स किया है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। ये आप देख रहे हैं पानी मिलाने के बाद थोड़ा सा सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारी तरी बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके मसाले। तो पहले हमने डालना है थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाल दी हमने। इसके बाद अपने स्वाद के अनुसार लोग नमक बोलते हैं, हम मिर्ची भी, किसी को तीखा पसंद है किसी को तरी वाला पसंद है तो अपने हिसाब से डालेंगे। और इसमें फिर डालते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, करीब एक चम्मच बड़ा चम्मच धनिया पाउडर मिलाने के बाद इसको ये देख रहे हैं इसका बेस तैयार होने लग गया है। इसमें हम डालेंगे हम उबले हुए जो हमने आलू हैं उसको अच्छी तरह से मैश करके इसमें डालेंगे। ये कुकर में हमने जो उबालने के लिए रखा था या पकने के लिए रखा था ये अच्छी तरह पक गए हैं और आलू भी देख रहे हैं आप अच्छी तरह। अब आलू को हम इसमें मैश करके या थोड़ा सा ये आलू जो हमने उबाल लिए थे उसको हम इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये ग्रेवी के साथ अपना अलग टेस्ट भी देंगे और ग्रेवी इससे थिक बन जाती है। ये आलू को जो मैश किए हुए आलू हैं इसको मैंने इसमें डाला है ताकि अच्छी तरह से ये भी इसके साथ घुल मिल जाएगा पक जाएगा। और देख रहे हैं आप ये जो हमारी ग्रेवी बनी है वो कितना अच्छा कलर भी लिए हुए और एक जैसा फॉर्म आ गया है। इस ग्रेवी में अभी मैंने डाला है स्वादानुसार नमक और ये जब पक गई है अब बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है तब हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए मटर। तो मटर डालने के बाद करीब करीब हम 3-4 मिनट को इसको अच्छे से उबलने देंगे ताकि मटर में अपना जो सारा टेस्ट है हमारी ग्रेवी का वो उतर जाए। और ये देख रहे हैं आप शानदार लुक आ गया है, बहुत ही टेस्टी नजर आ रही है और इसको हम पाव के साथ अब हम सर्व करेंगे। सर्व करते वक्त एक और हम कर सकते हैं कि थोड़ी सी सेव या बम्बई की मिसल को लगने वाली जो मुंबई में प्रसिद्ध है वो सेव भी इसमें डाल सकते हैं जिसको मुंबई का फरसान बोलते हैं। प्याज और हरी धनिया कटी हुई के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार है मिसल पाव विथ प्याज कटे हुए हैं और हमारा जो फरसान है मुंबई फरसान, इसके साथ ये डिश बहुत ही टेस्टी लगते हैं।